हाँ सौरभ जी, पढ़ा था आपने फोल्ड माउंटेन के बारे में? फोल्ड माउंटेन है ना, क्या है बता दीजिए जनता को एक बार फिर से। मीनाक्षी जी सही बोल रहे हैं क्या? फोल्ड माउंटेन की बात कर रहे हैं हम लोग, फोल्ड माउंटेन की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नीचे एक धरती का एक पार्ट नीचे धस जाता है। हाँ तो क्या ये सही बोल रहे हैं क्या? क्या सही बोल, हाँ कोई बात नहीं कोई बात। ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं नहीं कौन है और सैरा कादरी, सैरा इसकी आवाज ही नहीं आ रही। चलो ठीक है शशि, आवाज इन्होंने अपना माइक बंद किया हुआ है, माइक बंद किया हुआ है। हाँ शशि जी, फोल्ड माउंटेन के बारे में जल्दी से बता दीजिए। उस दिन मैंने बताया था आपको फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ये क्या चीज होती है दोनों? हाँ देख के जल्दी 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 फटाफट, टाइम नहीं है। हाँ हाँ और किसी को आता है कुछ? हाँ इसे क्या बोलते हैं, सही बोल रही है क्या ये कि सही गलत बोल रही है, क्या है? अरे भाई वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन प्लेट टेक्टोनिक होती है, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, भारी वाली प्लेट नीचे चली जाती है। समझ गए, समझे सब लोग समझे? ये व्हाइट बोर्ड है, गलत मत करो, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अरे भाई एक मिनट रुक जाओ यार, तो माइक देखो दिख रहा है कुछ यहाँ पे? देखो यार थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत तामझाम करना पड़ रहा है सब चीजों के लिए। देखो देखो देखो, हाँ एक प्लेट ये गई, प्लेट क्या चीज होती है पहले समझो, जो हमारी अर्थ है हम जहाँ खड़े हैं ठीक है वो प्लेट्स के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। एक मिनट यार, हाँ ठीक है ना समझे, हम जहाँ खड़े हैं उसे प्लेट बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है ना। अब अलग अलग प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर ठहर रही होती हैं सौरभ जी, जो हम, हाँ हाँ बोलो बोलो, एस्थेनोस्फीयर ठीक है ना, ठीक है पूछा जाता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, दिख रहा है ये थोड़ा, ठीक है मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा ठीक है। अब क्या होता है, अब प्लेट्स भी देखिए दो तरह की प्लेट्स होती हैं, एक होती है ओशियनिक प्लेट यानी कि महासागरी प्लेट और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसे कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट, ठीक ठीक है। निर्देश जी सुन रहे हैं? हाँ मैं, हाँ सबके पास, हाँ ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये प्लेट टकरा रही है, अब ये चूंकि तैर रही होती है किसी के ऊपर तो एक दूसरे टकराती हैं। अब टकराने में तीन कंडीशन आती है, तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो भारी प्लेट है मतलब प्लेट वन और प्लेट टू है, अब मान लो प्लेट वन जो है वो भारी है और प्लेट टू मतलब यहाँ पर आ गई हल्की है थोड़ी सी, तो जो भारी प्लेट होगी हाँ वो अंदर जाएगी, भारी प्लेट अंदर जाएगी हल्की प्लेट ऊपर जाती है, और जो इनका ये जो ये कॉन्टेक्ट वाला टाइम जगह पे ना इसके ऊपर क्या होगा, ये फोल्ड फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप कभी देखना है ना दो चीजों को जोड़ेंगे तो जहां पर दोनों चीजें आपस में टकरा रही होती है ना वो फोल्ड होने लगती है, और ये फोल्ड फोल्ड जो होती है फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हाँ फोल्ड माउंटेन का, सुनो सुनो निर्देश जी, निर्देश निर्देश जी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल बता दो भाई। फोल्ड माउंटेन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, इसका एग्जाम्पल बता दो लेटेस्ट। अरे यार हिमालय पर्वत जो हैं वो सब फोल्ड माउंटेन्स तो हैं। हाँ तो नवीन सितौर क्या है, वो नए लेटेस्ट हैं वो, भैया क्या हो रही है तुम लोगों को, ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूँ। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है सुन लो, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक क्या होता है बताइए, जो इतनी देर से आप लोग कर रहे थे वो ब्लॉक था। अब जैसे कि मान लीजिए जमीन है ठीक है, अब उसका कोई हिस्सा जो है वो नीचे चला गया ठीक है, ऊपर से प्रेशर आया तो नीचे चला गया, तो या ऐसा चला गया ऊपर आ गया
तो इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक हो जाएगा, एक हिस्सा ऊपर आ जाए या नीचे चले जाए तो ये ब्लॉक माउंटेन हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका पहले, बहुत पहले, अब तो आज नहीं करेंगे, आज बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी और चीजों को देखेंगे। एक अच्छा भाई बताओ, ये थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आए नहीं थे, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स क्या है, कहाँ है अरावली हिल्स? राजस्थान में है। अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसको इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, चलो ठीक है। अच्छा इसको रेसिड्यूअल पर्वत ही बोला जाता है, रेसिड्यूअल हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिड्यूअल बोला जाता है, क्या है ये रेसिड्यूअल का मतलब क्या है, रेसिड्यूअल का मतलब क्या है, अरे नहीं यार, अब एक ही फॉरवर्ड फंड, एक ही फंडे को बार बार रिपीट कर रहे हो। हाँ अवशेषित, हाँ हाँ अवशेषित पर्वत है ये, इसका मतलब क्या है इसका? अरे सुनो तो यार, रेसिड्यूअल, सुनो सुनो, रेसिड्यूअल पर्वत या अवशेषित पर्वत का मतलब क्या है, क्यों बोल हाँ? बचा कुछ है? नहीं नहीं हाँ सुनो, ऐसा था कि जो अरावली पर्वत है सबसे पुराने पर्वत है ये, ठीक है, बहुत बहुत पुराने पर्वत है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इरोजन हुई, इरोजन का मतलब क्या है, वो क्षरण होता चला गया हवा से पानी से, और उसके क्या हुआ वो तो उसका टूटता चला गया, तो आजकल जो पर्वत है वो बचा कुचा पर्वत का हिस्सा है वो। अच्छा मुझे ये बता दो भाई, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है? अरे रुको शालू थामा जी, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है या कम होती है, क्यों? शालू जी आवाज सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है शालू? अरे शालू जी सुनो भाई, नहीं सुन रहे हो। प्रीति आर्या, हाँ प्रीति जी बताइए, ये जो बरसात होती है, सॉरी राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है, खासकर ये उदयपुर वाले हिस्से में बरसात कम क्यों होती है, क्योंकि हम जो भी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं ना इससे जुड़ा हुआ है वो, कुछ आइडिया और किसी को आता है कुछ? हाँ बता भाई, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये पर्वत बने हुए। अब क्या है कि जब साउथ वेस्ट मानसून जाता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना, साउथ वेस्ट मानसून, अब ये क्या करते हैं, ये पैरेलल पैरेलल निकल जाते हैं, इनके टकराते नहीं है, ठीक है ना, तो इधर तो बारिश हो जाती है, सॉरी इधर निकल जाती है, इधर तो बारिश हो जाती है, इधर बारिश नहीं होती है, ठीक है, इस कारण से ये है, ये जो अरावली हिल्स हैं ये हमारे साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल है ये, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। सह्याद्री क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री क्या, किसको बोलते हैं सह्याद्री, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सह्याद्री वेस्टर्न वेस्ट, हाँ हाँ हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ सुनो सुनो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दो घाट से हमारे यहाँ, ठीक है, कॉन्टिन्यूस घाट कौन सा है, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार वाला, इसमें टुकड़े टुकड़े वाला ना हो जाता, ईस्टर्न घाट है कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, अच्छा, और ईस्टर्न घाट क्या ब्रोकन है, ठीक है, तो ये ब्रोकन होने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मतलब बताओ, कुछ आइडिया, बाकी लोग भी तो बोलो भाई, क्या उठा है भाई, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, देखिए जो जो ये घाट होते हैं टुकड़े होने के, इसका वजह फायदा ये होता है कि यहाँ बहुत सारे बंदरगाह बन सकते हैं, नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह, भाई ऐसा टूटा फूटा है ना, देखिए ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या यहाँ पे बंदरगाह नहीं बन जाएगा, बताइए, तो यहाँ जो ये हाँ इसलिए ईस्टर्न घाट्स में आपके बंदरगाह ज्यादा है इसलिए आपके, ठीक है, चल हाँ आगे चलते हैं फटाफट, दिक्कत कुछ हो सवाल पूछ लेना, ठीक है। अच्छा कौन बताएगा मुझे उस दिन जो क्लास, मीनाक्षी पंत जी मुझे ये बता दो कि जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं,
पश्चिम की तरफ कौन सी, हाँ कौन कौन सी, दो चार एग्जाम्पल देना मुझे। चलो और बताओ। बहुत अच्छी बात है मही। और एक और साबरमती, साबरमती बहुत अच्छी बात है साबरमती, ठीक है। एक 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 रिवर है लूनी, लूनी रिवर है, ये लूनी रिवर कहाँ है बताओ। और ये खासियत क्या है इसकी, एग्जाम में सवाल क्यों आता है लूनी के पे, लूनी रिवर पे सवाल आता है। ये असल में क्या है, ये समुद्र से मिलती ही नहीं है, ये बीच रास्ते में खत्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे फटाफट पढ़ते हैं। हाँ, और ये वेस्ट की तरफ जाती है, मतलब गुजरात की तरफ बहती है। क्यों बहती है भाई, कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग है, या मैक्सिमम जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है, ज्यादातर नदियां हाँ क्यों है ईस्ट की तरफ क्यों? शालुधामा बताएंगी, शालुधामा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई हाँ हूं तो बोल दो कम से कम कुछ, लो सुन ही नहीं रहे, बताओ मेरी। हाँ शालू बताओ बेटा कि ये जो नदियां हमारे हमारे देश की मैं दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, फोटो दिखाई दे रही है, ये होती है हमारे। अब ये जो नदियां हैं ज्यादातर हमारी ये बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, बंगाली खाड़ी में बह जाती है, इसका कारण क्या है, इसका इसका क्या है, कारण क्या है, चालू बताओ बेटा। ज्यादातर नदियां हमारी, बताओ भैया कौन बताएगा, शशि, शशि जी, हाँ हाँ कहाँ पे, अच्छा सारा कादरी, हेलो सारा कादरी, हाँ बताओ बेटा क्या क्यों क्यों हुआ था, ये उसने बताया था, डिस्कस किया था, ये मैक्सिमम जो रिवर्स हैं ये हमारे बे ऑफ बंगाल में क्यों बहती हैं, बताओ उसने बताया था मैंने आप लोगों को। तो सौरभ जी बताइए, अरे डिस्कस किया, मीनाक्षी जी बताए कुछ इसके बारे में आइडिया, वो डेल्टा हो गया, वो तो डेल्टा हो गया, चलो छोड़ो से डेल्टा की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये इधर ही क्यों आती है, इधर क्यों नहीं आती है, ये ऊपर क्यों नहीं आती है, नीचे क्यों नहीं आती है, ये इधर ही क्यों आती है, क्यों पड़ता है ना, सवाल ये है क्यों पड़ता है, इधर ही क्यों पड़ता है। अरे यार आप सुनो, अरे पेपर थोड़ी ना कि झुक जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जब प्लेट टेक्टोनिक हुई थी, दो प्लेटें टकराई, जो इंडिया का गुजरात का हिस्सा देखते हो, इसमें ये जो ओशियनिक प्लेट है वो टकराया, यहाँ पर एक वॉल्केनो बना, पहले वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ बहुत सारा मलबा इस ऐसे बहा, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया। इसीलिए जो जो हमारा जो डेकन प्लेट्यू होता है उसमें बहुत सारा मिनरल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो लावा है वो जब ठंडा हो गया तो बहुत सारा लावा यहाँ पर लेकर आया। दूसरी बात क्योंकि इस तरफ ऐसे बहा था तो स्लोप भी ऐसी हो गई है, इसलिए जो नदियां आती है वो इधर से चली जाती हैं, ठीक है, समझेंगे सर, हाँ रास्ता बना दिया है ना, स्लोप बन गया, इसका स्लोप बन गया, ठीक है। अच्छा अब डेल्टा, डेल्टा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्यों होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बहके आता है, डेल्टा बनता है। और कुछ बताओ, थोड़ा और बताओ आइडिया, और कुछ बताओ, और कुछ कहना चाहेंगे अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी, और कुछ डेल्टा पर सवाल आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सौरभ जी कुछ आइडिया, हम वो आने बनता है, और बताओ जल्दी। एक सवाल जो आता है, सवाल जो आता है कि हमारे देश में जो डेल्टा बनता है वो पूर्वी घाटी बनता है, कलकत्ता में बन गया आएगा, इधर इस तरह बनता है, महानदी का बन गया, कावेरी का बन गया, लेकिन इधर नहीं बनते हैं, इधर नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं भाई, निर्देश जी सुना दे रहा है,
डेल्टा जो है हमारे पूर्व की तरफ बन जाते हैं, वेस्ट की तरफ क्यों नहीं बनते हैं? हैं? देखो सुनो आप मेरी बात, ये हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयाज हैं, जो नदियां होती हैं, मान लो गंगा की बात करते हैं, गंगा नदी जब हिमालय से होती हुई प्लेन की तरफ आती है तो अपने साथ जो ये पर्वत में जो मलबा होता है, मलबा मतलब पत्थर ईटा ये सब चीजें होती है ना, वो अपने साथ लेकर आती हैं। अब चूंकि इनकी स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हाइट यहाँ पर स्लोप ज्यादा होता है, तो इनकी गंगा की जो स्लोप होगी बहुत ज्यादा होती है और स्पीड बहुत होती है, तो अपने साथ ये बहुत सारा मटेरियल ले आती है। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पहुंचती है हुगली के पास, ठीक है, आप देखोगे स्लोप बहुत कम हो जाता है। अब स्लोप जब बहुत कम हो जाता है तो इनके पास इतनी स्पीड नहीं बचती कि अपने साथ ही जो मलबा लेकर आ रही है उसको कैरी कर सकें, क्योंकि भाई स्पीड बची नहीं, नदी के पानी की स्पीड कम हो गई है और जो पत्थर बड़े बड़े आए थे वो अपने साथ कैरी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करते हैं ये सब जितना भी मलबा होता है छोड़ देते हैं यहाँ पर इसको, मतलब जितना मलबा होता छूट जाता है और ये मलबा जो है वो डेल्टा बनाता है, पानी आगे चला जाता है और मिट्टी विट्टी यहीं रह जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इधर क्यों बनता है इधर क्यों नहीं बनता है, तो इसका एक ही जवाब है कि यहाँ की जो नदियां हैं इनमें यहाँ पर स्लोप बहुत हल्का स्लोप है, बहुत कम स्लोप है। डेल्टा तभी बनेगा जब मुहाने पे जब नदी पहुंच रही होगी तो इसका स्लोप बहुत कम होगा, लेकिन नर्मदा ताप्ती जब पहुंचती है अरब सागर में तो इनका स्लोप बहुत ज्यादा होता है, स्लोप बहुत ज्यादा होता है। तो अपने साथ क्या करती हैं, जो जो मलबा लेकर आ रही होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो अंदर ले आती है, उसको क्या बनते हैं, एस्चुरीज बनते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरीज। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए, हो गया, हाँ ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अरे एक बार दानिश पानी देना यार, दानिश पानी दो यार, पानी दो, पानी, चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते मेरे गला सूख गया है, पास नहीं होगा तो देखना फिर। अच्छा 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 अच्छा, तो जो मेन मेन चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये वाटरफॉल होता है जो हमारा वाटरफॉल क्यों बनता है भाई? सौरभ जी बताया था मैंने उस दिन आपको, वाटरफॉल क्यों बनता है, हैं? शशि जी बताइए, आप ही बता दो यार, आप बता दो, आप बता दो। देखिए ये मान लो नदी बह रही है ऐसे जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पर तो मान लीजिए ये पर्वत, ये हार्ड रॉक होगी, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पर हार्ड रॉक है, ठीक है, अब पानी के बहाव से ये क्या होगा, ये टूट जाती है, बह जाती है, तो अमूमन ऐसा हो जाता है, ठीक है, झरना जो आता है वो यू गिरना शुरू कर देता पानी, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो नहीं सॉफ्ट वाला खत्म हो गया ना, सॉफ्ट खत्म हो गया और हार्ड से चली रहे तो ये झरना बन जाता है। अब सवाल ये नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि हमारे देश में किस नदी के ऊपर कौन से झरने हैं, समझ गए? वाटरफॉल भाई याद कर लेना, मैंने शायद लेक्चर में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्या है वाटरफॉल, जोग फॉल वगैरह ये सब जो है ना, हुंडरू जो एक है, हुंडरू फॉल जो है वो आप क्या है रांची में है, जोग फॉल है, धुआंधार फॉल है, तो आप ना ये सब याद कर लेना, ठीक है, जितने भी है वो याद, अगर मैंने लेक्चर में नहीं दिया है तो प्लीज ढूंढ लेना, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसके अंदर से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा एक सवाल ना बहुत आता है, ट्रिब्यूटरीज का आता है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां, ठीक है, तो एक काम, हाँ देख लेना कि गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है, हाँ इन सबकी नदियां के बारे में कुछ मेन मेन सहायक नदियां हैं वो याद कर लेना, ठीक है, हाँ वो सहायक नदी कौन कौन सी है मैंने दिया है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों को बस ये जो मैं बता रहा हूँ तो आप ना लिख लेना, जिसको बाद में आप लोग कर सको आप।
अच्छा एक मिनट का थोड़ा सा लाइक जो जो मेन मेरे पास वो डिस्कस कर लेता हूँ बाकी तुम लोग। अच्छा अच्छा वो एक आता ना कोर मेंटल क्रस्ट है ना, पता है क्या होता है। ठीक है चलो, ये पृथ्वी हमारी हो गई, ठीक है, जो ऊपरी ऊपर हिस्सा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रस्ट, ठीक है। अच्छा ये उसके बाद का जो हिस्सा होता है क्या बोलते हैं, ये वाला हिस्सा मेंटल, और बीच वाला हिस्सा क्या होता है, क्या बोलते हैं, कोर, क्रोड, ठीक है। अच्छा अच्छा एक आता था एग्जाम में आता है, क्या होता है, सियाल, सीमा, नीफे, हाँ तो बताओ सियाल कहाँ होता है, सियाल SIAL, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, शालू हाँ बोलो बेटा ये पता चल रहा है सियाल क्या होता है, पता है ना सियाल होता क्या, ये होता क्या सियाल, SI मतलब सिलिकॉन, AL मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा आपको इस तरह समझे, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है तो ये क्रस्ट में होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता सीमा क्या होता है सिलिका और मैग्नीशियम, ये मेंटल के अंदर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है निफे, NIFE, निफे क्या होता है, फास्फोरस नहीं भैया, क्या, अरे क्या बोल रहे हो यार, निकल और फेरस मतलब आयरन, फेरस, ठीक है, Ni फॉर निकल, Fe फॉर फेरस, ठीक है। अच्छा सवाल जो पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल, कि भाई ये बताओ कि जो हमारा कोर है ये सॉलिड क्यों है, बल्कि जो मेंटल है वो लिक्विड है, बट कोर जो है वो सॉलिड है, क्यों, और बताओ क्या नाम है, मीनाक्षी जी कहाँ है, मीनाक्षी, हाँ कुछ टिप्पणी कीजिए कुछ इसके ऊपर, नहीं, हाँ, ठीक है, फिर और बताओ आगे, फिर क्या होता है, फिर ये कोर सॉलिड क्यों होता है, मेंटल तो लिक्विड समझ में आ गया, कोर सॉलिड क्यों है, चालू बेटा कुछ आइडिया, एनी आइडिया, नो आइडिया, ठीक है। देखो ऐसा होता है भाई, हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल क्रस्ट पे, अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे चीजें लिक्विड में बदल जाएंगी, लिक्विड में क्यों बदलती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा भाई, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, गहराई में जाएंगे, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो चीज़ें क्या हैं, वो लिक्विड में आ जाएंगी, तो ये जो मेंटल है वो यहाँ के पास लिक्विड में रहता है, ठीक है। अब भाई गहराई में जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, चीज़ें लिक्विड में हो रही हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में प्रेशर भी बढ़ रहा है आपका, ठीक है। फिर वक्त एक ऐसा जब आएगा कि प्रेशर के कारण जो जितने भी ये ना निकल, आयरन वगैरह हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर, मैंने कहा था ना PV इक्वल टू NRT, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है, जैसे जैसे ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब एक समय ऐसा आता है कि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो नीचे का मटेरियल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा और फिर वो सॉलिड स्टेज में आ जाएगा, वो पिघलेगा नहीं, वो, ठीक है। चलो कोर वाला हम कोर की बात करें, कोर जो होता है, जो निकल और फेरस में होता है वो सॉलिड में रहता है। अच्छा अब मुझे बताओ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब क्या है, और मेटामॉर्फिक रॉक,
इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस रॉक क्या होती है? शालू धामा, शालू, शालू कांगे। हाँ बेटा, इग्नियस अग्नि, अग्नि चट्टाने क्या होती हैं? अग्नि चट्टाने क्या होती हैं? अरे सुन, अरे मुझे शालू बताओ बेटा, गलत बताओ लेकिन बताओ। आप कह रहे हो जो एक ये ज्वालामुखी है, राइट में ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये ज्वालामुखी है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, आगे क्या होगा? ये फटा फटा, हाँ बताओ बताओ, शाबाश बताओ, भले गलत बता दो कोई। अरे मैं कह रहा हूँ सुनो, जो अंदर मटेरियल, अरे सुन दो लो भैया, अंदर होगा मैग्मा होगा। अरे शालू से बात कर लेने दे भाई, शालू, शालू सुनी दो, शहरा चुप हो जा बेटा, शालू से, शाले से बात करने दो, शालू। अरे शालू कहाँ? हाँ हाँ, अब तुम बताओ बेटा। ये मैग्मा है, मैग्मा, ठीक है, ये वॉल्केनो ज्वालामुखी के अंदर है। जब ये फटेगा, बाहर निकल के आएगा, तो क्या बनता है? ये लावा, क्या बनता है? लावा, ठीक है। अब ये गरम गरम निकल के आ गया, बाहर आ गया, उसके बाद क्या होगा कि समय के साथ ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो कौन सी रॉक बनती है? ये अग्नि चट्टाने बन जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया मीनाक्षी जी? क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब सादी चट्टाने यानी सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनेंगी, क्या होगा फिर? अरे शालू बता दो यार, शालू को बता दो, शालू बता, शालू बताएगी बेटा। हाँ बताओ बेटा, जो ये अग्नि चट्टाने थी, अब क्या होगा? अब ये अब सादी चट्टानों में कैसे बनेंगी? ये अब सादी चट्टान, नो आइडिया, मीनाक्षी जी बता दो, आप मीनाक्षी जी बताएंगी। हाँ, ठीक है, चलो ठीक, बिल्कुल सही बोल रही है। जब इग्नियस रॉक बनती है, मान लो ये इग्नियस रॉक है, उसके बाद क्या होगा? सर्दी गर्मी बारिश हवा से टूटेगा थोड़ा सा ये, ठीक है, और टूट टूट के हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे ये। अब ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो ये लेयर बनाते हैं, लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अवसादी सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानों में ही लेयर होता है, लेयर, ठीक है, लेयर बनती है। अच्छा अब लेयर होने के कारण, इसी काबिलियत के कारण यहाँ पर क्या बनता है, जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, फॉसिल्स, जीवाश्म, जीवाश्म किसके? अरे डायनासोर के जीवाश्म है ना, तो ये सब इसी, इसमें ही मिलते हैं, अवसादी चट्टान में मिलता है, क्योंकि जो लेयर होती है वो सिर्फ इसी चट्टान के अंदर होती है, ठीक है भाई। भाई ऐसे है ना, समझो ना, देखो ऐसा है, अब ये डायनासोर है, ठीक है, डायनासोर मर गया, बताएंगे कैसे बंदा मर गया, ठीक है। अब एक लेयर इसके नीचे थी, धीरे धीरे एक दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी, फिर चौथी लेयर ऐसे आएगी, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके दब जाएगा, और ये डायनासोर, हाँ, जो ये लेयर है ना, लेयर, ये सिर्फ अवसादी चट्टानों में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा यार, आप लोग ना एक चीज पढ़ लेना, एक चीज पढ़ना आप लोग, एक आता है इंट्रूसिव रॉक और एक्सक्लूसिव रॉक, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव, इंट्रूसिव। अब जैसे क्या है, अब जैसे कि आपने देखा कि चट्टाने जो हैं वह ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ज्वालामुखी तो मान लीजिए ऐसा ज्वालामुखी है हमारा, सॉरी बहुत गंदा बनाया, तो ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब होता क्या है, ये ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी कुछ तो फटके बाहर निकल आएगा, फटके बाहर निकल आया, ठीक है, कुछ क्या होगा अंदर ही अंदर रह जाएगा भाई, क्योंकि ये बहुत नीचे से आ रहा होता है, यहां से आ रहा होता है ना, तो कुछ अंदर ही रह जाता है यहां पर, ठीक है, पता नहीं है। अच्छा जो चीज, जो चट्टाने लावा से ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बनेंगी, इसे बोलेंगे एक्सक्लूसिव रॉक, एक्सक्लूसिव। अब मुझे इसके अंग्रेजी नहीं पता, इसके बाद हिंदी नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, आप देखना
लेकिन कुछ रॉक जो इस पृथ्वी के अंदर बनती हैं उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल याद कर लेना। जैसे कि मैं बताता हूँ, इंट्रूसिव रॉक के होते हैं ग्रेनाइट वगैरह जो होते हैं ना, गैबो, ग्रेनाइट, ये सब होते हैं यहाँ बनते हैं, ग्रेनाइट गैबो यहाँ बनते हैं, और ऊपर वाले में आपका बेसाल्ट वगैरह बनता है। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले, मजा नहीं आया, आवाज सुनी हो गया? बाकी लोग कौन कौन है भैया? निर्देश जी, गुड मॉर्निंग। हाँ वही कह रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही तो सुन लो, पूछ लो ना क्या दिक्कत है, क्लास चल क्यों रही है? देखिए सिंपल से लॉजिक है भाई, मान लो ये आपका ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ज्वालामुखी तो अपना जो सोर्स ले रहा होगा नीचे से ले रहा होगा, बहुत नीचे से ले रहा होगा। ठीक है, अब ज्वालामुखी जो मैग्मा आया, मैग्मा और बाहर आ गया, लावा बन गया, और ये है ना, और ये यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पर जो चट्टान बनेगी उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आ जाता है, एक्सट्रूसिव। ठीक है, कुछ चट्टान, कुछ मैग्मा जो है अंदर ही पृथ्वी के अंदर रह जाएगा और यहाँ पर चट्टान बनाएगा, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछेगा क्या, आपसे सवाल पूछेगा कि भाई बताओ, एग्जाम्पल देता हूँ कि इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल कौन से और एक्सट्रूसिव कौन से। तो जो इंट्रूसिव अंदर वाला है तो इसका ग्रेनाइट हो गया, गैबॉन हो गया, ये सब इंट्रूसिव हो गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि ग्रेनाइट का पत्थर खोद के निकालना पड़ता है, खोद के, समझे? जो आपके किचन में ग्रेनाइट लगा होता है, जो पत्थर है उसे खोदा जाता है पृथ्वी यहाँ पे, तब जाके पत्थर निकलता है वो। ठीक है, जो रॉक्स ऊपर रह जाती हैं जैसे कि बेसाल्ट वगैरह, हाँ इसके पहाड़ वगैरह मिल जाते हैं आपको। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तो चाय पीने का मन कर रहा है मेरे तो। अरे कहाँ यार, इतनी मजदूरी कराओगे, कितना मजदूरी कराओगे तुम मुझसे। अच्छा आगे देखते हैं, लिखो उस पर जो जो मोटा मोटा है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो फंसोगे यहाँ पर आप लोग। अब ना लगभग रोज क्लासेस ले लेंगे, ठीक है, रोज चलेगी क्लास आपकी। ठीक है, रोज, हाँ रोज थोड़ी थोड़ी 1 घंटे ले लेंगे, जितना मैं बोल सकता हूँ तो आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, जो सवाल आते, अब यार अब भैया आप जो देख लो, मैं जो 1 घंटे पढ़ा देता हूँ पढ़ा दूंगा मैं। बाकी देखो सी सैट के लिए बताऊँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सी सैट पढ़ने के जो मैथ्स में कमजोर, अगर कमजोर हैं आप, देखिए यूट्यूब पे हजारों की तादाद में वीडियो बने हुए मैथ्स और रीजनिंग के, हजारों की तादाद में, वाईफाई स्टडीज हो गया, एग्जामपुर हो गया, है ना, जिसका चाहे आप जो आपको जिससे समझ में आ जाए पढ़ लो मैथ्स। ठीक है ना, चलो अगर पढ़ रहे हो ना। हाँ अच्छा, अब आता है सवाल अर्थक्वेक के ऊपर आता है, अर्थक्वेक, भूकंप, भूकंप क्यों आता है बताओ, भूकंप क्यों आता है, भूकंप भूकंप अर्थक्वेक क्यों आते हैं? ठीक है, अच्छा क्या मैन मेड हरकतों के कारण भूकंप आ सकता है? एग्जाम्पल 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 दे दो मुझे। एटम बम, बहुत अच्छी बात है, एटम बम। और बताओ, और बताओ, हाँ और बताओ, हाँ हाँ न्यू चैनल, मिसाइल, मिसाइल से नहीं आएगा, मिसाइल से नहीं आएगा, मिसाइल से नहीं आएगा, एटम बम से आ गया। और बताओ क्या हो गया? देखो ये डायनामाइट, ये सवाल ना, ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायनामाइट लिख लेते हैं, डायनामाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल आईएएस में आया हुआ था जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला आपने, कौन बोला इसने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही, देखिए देखिए ये आपका बन, अरे मान लीजिए ये आपका जो है ना हाइड्रो पावर होता है, हाइड्रो पावर वाले, ठीक है, हाइड्रो पावर पन पन बिजली योजना वाले जो होते हैं। ठीक है, आप उसके पीछे देखते हैं कि बड़ा सा पानी के लिए वो स्टोर करते हैं, करते हैं जो लेक, लेक होती है जैसे भागरा नंगल लेक वगैरह होती है, बहुत उसमें पानी बहुत सारा होता है, जो ये खुलेगा तो ये नीचे पानी बहेगा, तब जाके जो वो चलेंगे और उसके बाद बिजली बनेगी। तो ये पानी जो होता है ना यहाँ पर पानी, अब चूंकि क्या होता है कभी कभी ये बहुत ज्यादा एरिया, बड़ा एरिया कर लेते हैं, बहुत बड़ा एरिया कर लेते हैं, इतना बड़ा एरिया करते हैं कि इस जगह पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आने पर इस जगह पर तो ये भूकंप क्रिएट कर सकता है, ये कंपन क्रिएट करता है। ठीक है, भूकंप क्रिएट करता है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सवाल आया था आईएएस में, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि डैम जो होते हैं बड़े डैम वो भूकंप क्रिएट करते हैं, ये सच है। ठीक है, चलो हो गया,
अरे हाँ डैम ही तो हुआ, यहाँ डैम ही तो बनते हैं, उसके पीछे पानी जो होता है ना, ठीक है। ये सवाल मैं आईएएस में आता और हो सकता है आप लोग आ भी जाए, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में दो दो टर्म्स आएंगी आपको, फोकस और एपिसेंटर। फोकस और एपिसेंटर पूछेगा आपसे, वो पूछ भी चुका कई बार, फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है। हाँ? नहीं अब किसी और से पूछेंगे, रुको यार अब मैं किसी और से पूछूंगा। अरे के दास जी नमस्कार, अरे जी जी कैसे हैं आप, ठीक हैं, लेट हो गया थोड़ा सा। अच्छा चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका एपी सेंटर होता है और फोकस होता है, हाँ ये थोड़ा बताइए कैसे होता है, ये दोनों में फर्क क्या है। क्या क्या फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? हाँ जहाँ जहाँ पे आप कह रहे हो कि ओरिजिनेट होता है, आप इसको बोल रहे हो एपिसेंटर बोल रहे हो, ठीक है आगे बोलिए आगे बोलिए। और फोकस क्या होता है, फोकस फोकस क्या होगा? शालू बेटा सही बोला क्या, के दास जी ने सही बोला क्या, एपिसेंटर ये होता है क्या? नहीं पता किसको, रुको 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 रुको, निर्देश जी निर्देश निर्देश, हाँ बताइए एपिसेंटर क्या, यही एपिसेंटर होता है क्या? हाँ क्या होता है बताइए, एपिसेंटर और फोकस क्या होते हैं बता दो मुझे भाई। हाँ अरे रुक जा भाई सब्र करो हसी रानी। हाँ क्या, हाँ बताओ बताओ, अरे निर्देश ही बताओ ना क्या हुआ बताओ। अच्छा नहीं लिया पता आपको, चलिए रुको मैं किसी और से पकड़ता हूँ किसी को। सौरभ जी हाँ बताइए, चलिए आपको तो बताइए। हाँ जहां से होता है तो इसको हम बोलेंगे फोकस, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, देखिए केकेदास जी देखिए, जब दो प्लेट, जो दो प्लेटें टकराएंगी जहां पर, जहां पर सबसे पहले मीटिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा फोकस, ठीक है। अब क्या होगा, जब टकराएंगी तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी ऐसे करके, ठीक है। और सबसे पहले जो एनर्जी पहुंचेगी और सबसे पहले जो फील की जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, एपिसेंटर होता है, ठीक है। ये एपिसेंटर हो गया सवाल। अच्छा एक उसके बाद जब एपिसेंटर पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद एक और एनर्जी वेव बनती है, उसे क्या बोलते हैं। पहले तो ये सवाल है कि जो ये यहाँ पर फोकस में जो एनर्जी वेव होंगी, दो तरह की एनर्जी वेव होती है, एक होता है पी वेव और एक होता है एस वेव, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी होती है, ठीक है, प्राइमरी थोड़ी तेज होती है, सेकेंडरी थोड़ी स्लो होती है। प्राइमरी सबसे पहले पहुंच जाएगी और जैसी पृथ्वी पहुंचेगी यहां पर एक और एनर्जी वेव बनाती है, उसका नाम क्या है, यहां पर पहुंच एल वेव, इसको यानी कि सरफेस वेव, सरफेस वेव एल वेव। अब जब भूकंप आता है जितने भी बिल्डिंगें गिरती हैं वो ये एल वेव गिराती है, क्योंकि ये ऐसे खाली पृथ्वी पे टहलती, बस ये पृथ्वी ये नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ऊपर रहती है ये, ठीक है। अब आपको हाँ सवाल ही पूछा गया था कि भाई जो सवाल ही पूछा कि डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है, डिस्ट्रक्टिव, तो जो पी वेव होती सॉरी एल वेव जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, ठीक है। ये सवाल आया था, समझ गए मेरी बात भाई, सवाल अगर आए तो गलत मत करके आना, डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाही मचाने वाली विध्वंसक, ये सवाल आते हैं इसलिए बार बार। अच्छा अब करना क्या है, अब आपको पी और एस जो सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव है इनकी क्वालिटी जाननी है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है ये प्राइमरी वेव। और एक चीज मैंने पहले भी कहा था कि शेडो जोन होता है, शेडो जोन जहां पर हम नहीं उनको कैलकुलेट कर पाएंगे, तो शेडो जोन क्या होता है ये पढ़ लेना आप लोग, मैंने आप सबको ये वीडियो बना के दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलो अब बताओ मुझे मिएंडर ऑक्सबो लेक बता दो, ये सवाल आ चुका है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या होता है, चलो आप बताओ मीनाक्षी जी आइडिया कुछ,
ऑक्स बो लेक क्या होती है? अरे एक सुन, क्या होता है? हाँ, चलो प्रीति जी, हाँ प्रीति जी, प्रीति जी हेलो, हाँ प्रीति जी, प्रीति जी, अरे प्रीति जी हेलो नमस्कार, सुन तो लो, प्रीति जी नाराज हो गए, हाँ प्रीति जी हेलो, अरे भाई जवाब दे दो कम से कम, नहीं देंगे आप लोग, हाँ चलो देखिए देखिए आखिरी है, देखिए देखिए ये है हिमालय, अरे हिमालय बहुत खराब हो गया, ये है हिमालय, ठीक है, यहाँ से नदी निकली, मैं बचपन में ऐसी ड्राइंग बनाता था पता है, जैसे बना रहा हूँ मैं सड़ी सड़ी, ठीक है, अब देखिए, अब ये नदी निकली आपके, नदी निकली आपकी, ठीक है, हाँ फिर ठीक है, अब देखिए नदी के अपना शेप होता है, टेढ़े मेढ़े होकर आ रही होती है, ठीक है, जो ये पोर्शन होता है, ये मोड़, ये जो मोड़ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मियांडर, मियांडर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मियांडर, ठीक है, ये अच्छा, अब होता क्या है, जब ये ऐसा तो जो अब ये देख रहे हो जगह, याली जगह, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर लगता है, ये यहाँ पर घर्षण होता है और यहाँ पर घर्षण होता है, ठीक है, और ये जमीन को काटते, जगह काटते आते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे ये जो है इधर आता है, ये इधर आता है, और फिर क्या होता है ये ऐसे निकल आता है, और ये इतना एरिया अलग से रह जाता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है, ये ऐसे आता है, ठीक है, दिखा कुछ, दिखा, ठीक है, ये जो है नदी ऐसे, नदी ऐसे बह जाएगी और ये इलाका जो है रह जाएगा, इस जो जो ये नदी का हिस्सा जो रह जाएगा अलग, उसको बोलते हैं एक्स ऑक्स बो लेक, ऑक्स बो लेक बोलते हैं, ठीक है, ये मियांडर और ऑक्स बो लेक कई बार पूछे जा चुके हैं, इसी में आपको वो लीव्स, लीव्स पूछेगा, लीव्स क्या होते हैं, ये सब है ना, ये सब, अच्छा भाई चलो फिर आखिरी बात समझाएंगे, उसके बाद में मुझे निकलना भी कहीं है, इसलिए आखिरी का कल पढ़ाएंगे, देखिए नदी ऐसे आई, ये नदी होती है सांप की तरह, ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, जो ये मोड़ है इसको बोलते हैं मियांडर, क्या बोलते हैं मियांडर, ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, जो ये याला हिस्सा है और याला हिस्सा है, नदी का हिस्सा इधर प्रेशर डालता है और ये हिस्सा यहाँ प्रेशर डालता है, ये जो जमीन जमीन है, लैंड है ना, ये कटेगा, कटाव हो जाएगा, यहाँ पे कटाव होगा, ये यहाँ से कटाव करेगा, तो होगा क्या, जो नदी का याला हिस्सा है ये डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा और ये जो हिस्सा है वो छूट जाएगा, इधर वो छूट जाएगा, ठीक है, नदी यहाँ से निकल गई, तो ये जो हिस्सा जो है वो एक तालाब की तरह काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक, ठीक है, ठीक है, अब भैया मैं थक गया हूँ, है ना, अब मैं कल आपसे क्लास सेवन्थ का, अभी सेवन्थ ही पूछ रहे हैं ना, सिक्स में आया ही नहीं हूँ, तो सेवन्थ वाला मैं आकर पूछूंगा आपसे, ठीक है, बाकी मैं कल आपसे बात कर लूंगा, ठीक है, चलो बाकी पढ़ लेना आप लोग, है ना, जो मुझसे, जी जी हाँ बोलिए बोलिए, कल भाई मैं कह रहा हूँ यही ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं क्लास सेवन्थ, क्लास सेवन्थ, क्लास सिक्स, ठीक है, क्लास सेवन्थ, क्लास, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, सिक्स सेवन्थ के बहुत काम आएंगे आप लोगों को, ठीक है, चलिए बाकी अपना पढ़, जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, हाँ हाँ आप बातें करना कॉल, ठीक है, चलो रख रहे हैं बेटा, चलो बाय बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय बाय बाय।